बाइक टूर कश्मीर सीजन टू, कश्मीर जन्नत नजीर। किस्त नंबर 19, कुंडलशाही से कैरन बरास्ता अठ मकाम, वादी नीलम आजाद कश्मीर। अगर वीडियो दिल को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवल अक बाई इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। और आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं और सैर करवा रहे हैं कुंडलशाही से कैरन की बरास्ता अठ मुकाम, और बताएंगे इन जगहों के बारे में और आपको दिखाएंगे इसकी खूबसूरती। तो चलिए हमारे साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कुंडलशाही से, जो एक ख़ूबसूरत कस्बा और गांव है, और यहां पर मौजूद है एक वाटरफॉल भी। और ये बाईं तरफ रोड जा रहा है कुंडलशाही वाटरफॉल और जगरां वैली की तरफ। लेकिन हम जाएंगे सीधे अठ मुकाम और कैरन की तरफ। अठ मुकाम कुंडलशाही से 10 किलोमीटर के फासले पर, जबकि मुजफ्फराबाद से 73 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अठ मुकाम ज़िला नीलम का ज़िलाई हेडक्वार्टर है। जैसे जैसे हम वादी नीलम में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हर किलोमीटर और हर लम्हे के बाद खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। अठ मुकाम सतह समंदर से 4720 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। दो हजार 17 में इसकी आबादी 7922 नफूस पर मुश्तमल थी। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलतें यहाँ पर मुयसर हैं। यहाँ पर मौजूद है मार्केट, डाकखाना, बैंक, हॉस्पिटल और टेलीफोन एक्सचेंज। सयाहों की खिदमत के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में गेस्ट हाउस मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का नीलम कैंपस और डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए मौजूद है। ये वादी नीलम का एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। खबरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है और कैंसर का बायस बन सकती है। यह है ठाठे मारता हुआ खूबसूरत दरियाए नीलम। तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम पहुंचेंगे कैरन, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे खूबसूरत मुकाम है। तमाम रास्ता सरसब्ज़ शादा पहाड़ों और सनूबर के दरख्तों से ढका हुआ है। कैरन कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो कि तकसीम है दो हिस्सों में,
ایک حصہ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر ہے جبکہ دوسرا پاکستان آزاد کشمیر۔ کیرن ایک خوبصورت گاؤں اور ریزورٹ ہے وادی نیلم میں۔ کیرن سے دواریوں کی طرف جاتے ہوئے یہ ایک بہت ہی خوبصورت ندی ہے جو کہ واٹر فال کی طرح نظر آتی ہے۔ کیرن مظفر آباد سے 93 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر اور دریائے نیلم کے کنارے پر واقع ہے۔ کیرن سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بہت ہی خوبصورت گاؤں اپر نیلم۔ یہ ہے کیرن، اور اب ہم آ رہے ہیں شاردا کی طرف سے۔ اس دریا کے دوسری طرف انڈیا کے زیر تسلط کیرن کا گاؤں ہے۔ کیرن سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے پہلی پریورٹی ہوتی ہے۔ انڈیا کے زیر تسلط کیرن مقبوضہ کشمیر۔ وادی نیلم میں ٹٹوال لائن آف کنٹرول کے بعد یہ دوسرا مقام ہے لائن آف کنٹرول کا۔ یہاں پر کافی تعداد میں گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلز موجود ہیں۔ دائیں طرف یہ ہے راستہ جو کہ ہمیں لے جائے گا اپر نیلم۔ ہم رتی گلی، شاردا، تاؤبرٹ اور کیل کے لیے یہاں سے 4x4 جیپ کرایہ پر لے سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اپر نیلم، اور وہاں سے دکھاتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کیرن گاؤں کے 2 ویوز۔ تو اپر نیلم کے لیے چلیے ہمارے ساتھ۔ بائیں طرف ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ جبکہ دائیں طرف ہے آزاد کشمیر کیرن پاکستان۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔